आठवीं क्लास की नाबालिग छात्रा को घर से गायब हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने पुलिस पर कानूनी कार्यवाही में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि नशा सुंघाकर बच्ची को कुछ युवक लेकर फरार हो गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कहा, कहीं मेरी बच्ची के साथ ना हो जाए दिल्ली का निर्भया और हाथरस की बेटी जैसा कांड। परिजनों ने कहा, आज तीसरा दिन है बच्ची को घर से गायब हुए। बच्ची के परिजनों ने लगाया रोड पर जाम, किनारेबाजी। संबल पुलिस अधीक्षक ने कहा, लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लड़का लड़की दोनों नाबालिग है। परिजनों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। संबल थाना क्षेत्र की घटना पंजूसराय की है। 13 वर्षीय कक्षा 8 की छात्रा अपने घर से अपनी माँ से 10 रुपए लेकर अपने लिए खाने के लिए लेने को निकली थी। परिवार वालों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लड़के और उसके कुछ साथियों ने छात्रा को नशा सुंघाकर कहीं ले गए हैं। ये बात उनको उस ई रिक्शा चालक से पता लगी। जब छात्रा के परिजन उसको शहर में ढूंढ रहे थे, तब ई रिक्शा चालक ने बताया कि ये बच्ची और कुछ लड़के मेरी ई रिक्शा में बैठे थे और बच्ची अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। आज नाबालिग बच्ची को घर से लापता हुए तीसरा दिन है और बच्ची का पूरा परिवार सकते में है कि उनकी बच्ची के साथ कहीं दिल्ली की निर्भया या हाथरस की बेटी जैसा कांड ना हो जाए। आज बच्ची के परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। तब पुलिस ने मौके पर आकर परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मुख्यमंत्री से परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। मुझे पता चला बच्ची थोड़ी भागी चली आई, पर मेरी बहन को मैं जितनी अच्छी तरह से जानती हूँ, शायद ये कोई जाने, क्योंकि मैंने उसे पढ़ाया भी है। मेरी बहन छोटी सी बच्ची है, नादान है, उसे इतनी अकल नहीं है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी बताते हैं कि पैसे लेके मम्मी से 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये लेकर गई है कि मम्मी मुझे टिक्की खानी है। 10 रुपये लेके गए, काफ़ी टाइम हो गया, बोले बच्चा नहीं आया, इतनी देर हो गई। माँ बाप को हर किसी को चिंता हो जाती है। जब तक वो वहाँ पहुँचे तो वो पता चला कि कोई उसको ले गया है। 2-3 लोगों से जब ये लोग बताते हैं कि लोग ये सब लोग ऑटो वाले को पकड़ाया, उसने बताया कि आपकी बेटी लड़खड़ा रही है और मैं उससे अमरोहा रोड जो है वहाँ बैठा छोड़ कर आया हूँ। और ऑटो वाले से बोला कि तू हमें बता दे, तो बोला मैं आपको मुझे नहीं पता, बस मैंने आपको इतना बता दिया। ऑटो वाले की चाबी मेरी छोटी बहन है, उसने उसकी ऑटो से निकाल कर तब उसको पकड़ा गया है। और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी बच्ची हमें सलामत रहे। सर, संबल में कुछ लड़का लड़की फरार हुए हैं, वहाँ पर हंगामा थाने में रात भी चला था और सुबह भी चल रहा है, क्या मामला है? इसमें एक लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई है। लड़की और लड़का दोनों नाबालिग हैं। इनको गिरफ्तारी करने के लिए विधिक कार्रवाई के लिए टीमें बनाई गई हैं और जो भी इसमें शामिल है उनको लाया जाएगा, PWC के सामने पेश किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोई लफ्ज़ इस तरह साथ में नहीं, ऐसा कोई फिलहाल एंगल नहीं।